इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि तबलीगी जमात के सदस्य ने अस्पताल में गला काट कर किया सुसाइड। एक दिन पहले ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए तबलीगी जमात से जुड़े एक शख्स ने गला काट कर आत्महत्या कर ली है। मामला महाराष्ट्र के अकोला का है, जहां GMCH हॉस्पिटल में भर्ती तबलीगी जमात के एक सदस्य ने आत्महत्या कर ली है। अकोला पुलिस के मुताबिक मृतक आसाम के सलपाड़ा इलाके का रहने वाला था। उसकी पहचान मोहम्मद जहरुल इस्लाम 30 वर्ष के रूप में की गई है। बताया जाता है कि वह अस्पताल में 7 अप्रैल को भर्ती हुआ था। शुक्रवार को ही उसका रिपोर्ट पॉजिटिव आया था, जिसके बाद से ही वह परेशान था। शनिवार को उसका शव हॉस्पिटल के बाथरूम से बरामद हुआ है। शव के पास एक ब्लेड मिला है। पुलिस का मानना है कि इसी से उसने अपना गला काटा होगा। मृतक के शव को पुलिस ने बरामद कर लिया है। पूरे मामले की जांच कर रही है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एन अपडेट।